अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी बीआरएस भारत राष्ट्रीय समिति मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ये तीन पार्टी का क्या रोल है हमारे तेलंगाना में, क्या रोल है हमारे मुल्क में, अब ये देखना बहुत ज़रूरी है। अवाम का सवाल, अवाम कहीं ना कहीं किसी ना किसी जरिए से सवाल करती है, उसका जवाब हमें देना है। तो कैसे दें, तो हमने एक छोटी सी कोशिश की है कि किस तरह से ये माहौल पैदा किया जा रहा है, माहौल बनाया जा रहा है, आपको हमको समझने की ज़रूरत है। बीआरएस पार्टी किस लिए बनाई गई है? टीआरएस पार्टी तो हुई थी, दो बार इलेक्शन जीते थे तेलंगाना में, के चंद्रशेखर राव को बीआरएस पार्टी बनाने की क्या ज़रूरत थी? चलिए, चीफ प्राइम मिनिस्टर बनने का उनका शौक है, तो क्या वो प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं? ये एक पहला सवाल। अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते तो फिर किसको सपोर्ट कर रहे हैं? ये दूसरा सवाल। सपोर्ट कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, ये ना चाहते पर भी भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि तीन महीने पहले तक जो रिपोर्ट आई थी, सर्वे रिपोर्ट, उसमें यह बताया जा रहा था कि के चंद्रशेखर राव और बीआरएस पार्टी तेलंगाना में भारी एक्सरे से कामयाबी होगी 2024 के इलेक्शन में। लेकिन कर्नाटका में जिस तरह से रिजल्ट आए हैं और जिस तरह से अवाम की सोच बदली है और जिस तरह से कांग्रेस वहां पर आई है मुद्दों को लेकर, उसके बाद से तेलंगाना के हालत बदल गए हैं। अब तेलंगाना की लेटेस्ट रिपोर्ट यह है कि तेलंगाना को खतरा है, तेलंगाना की जो टीआरएस पार्टी है, बीआरएस पार्टी, उसको खतरा है कांग्रेस से। तो अब बीआरएस पार्टी बनी है, सारे हिंदुस्तान में फिरेगी और उसको नुकसान देगी कांग्रेस पार्टी को, उससे नुकसान होगा कांग्रेस पार्टी को या वो लीडरों को जो सेकुलर होते हैं, सेकुलर पार्टी से खड़े होते हैं। क्योंकि अभी तक भारतीय जनता पार्टी, ये अवाम का सवाल था, ये इल्ज़ाम भी था कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लेकर चल रही थी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का फैक्टर काम करा उत्तर प्रदेश में, जहाँ पर बीजेपी भारी अक्सर से कामयाब हुई, जहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कई सीटें खड़ी थी, लेकिन उसका सीधा सीधा फायदा ये हुआ बीजेपी जीती और कांग्रेस के उम्मीदवार वहाँ पर हार गए, क्योंकि मजलिस वहाँ पर खड़ी थी, वोट कट हुए और बीजेपी कामयाबी हासिल की। बिहार में भी ये फैक्टर काम हुआ, वो और बात है कि चार MLA फिर बाद में पार्टी को रिजन दिए हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को, वहाँ पर भी कांग्रेस को तबाह किया गया। अब जो कर्नाटका में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने सीटों को नहीं खड़ा की, शायद एक या दो पे खड़ा की थी, क्योंकि वो माहौल को समझ चुकी थी कि यहाँ पर इनका फैक्टर काम नहीं करेगा। लेकिन जहाँ पर दो जनों को खड़ा किए थे वहाँ पर भी बुरा रिजल्ट आया MIM को, और वही वजह है कि बीजेपी को कोई दूसरा मौका नहीं मिला और कांग्रेस भारी अक्सर से कामयाब हुई। अब भारतीय जनता पार्टी को यह समझ में आ गया है कि अब हम मजलिस से ही काम नहीं ले सकते, अब बीआरएस को भी चाहिए कि उसका भी हम इस्तेमाल करें। शायद यही हो सकता है कि बीआरएस पार्टी को अब सारे मुल्क में फिराकर कांग्रेस के वोट कट करा के फिर से भारतीय जनता पार्टी इख्तदार में आए, क्योंकि मुद्दे तो कुछ है ही नहीं भारतीय जनता पार्टी के पास। जितने वादे करे पूरे वादे झूठे, कोई वादों में मुकम्मिल वो खड़े नहीं उतर सके, सिर्फ हिंदू बना मुसलमान की सियासत की, इसकी वजह से लोग समझ चुके हैं, अब आने वाले हालत को भी बीजेपी वाले समझ चुके हैं। यही वजह है कि कल तक यानी कुछ दिनों तक बीआरएस पार्टी को गलत बोलने वाली बीजेपी और बीजेपी को गलत बोलने वाली बीआरएस पार्टी आज मिल रहे हैं। ईडी का ज़बरदस्त छापे चल रहे थे कविता पे, लेकिन वो छापे भी रुक गए हैं। इससे कहीं ना कहीं आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अमित शाह से मीटिंग हो रही है, KTR मीटिंग कर रहे हैं, बड़े बड़े लीडरों से मीटिंग कर रहे हैं बीजेपी के, तो कहीं ना कहीं आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बीआरएस पार्टी अब बीजेपी के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेगी। टारगेट यही होगा कांग्रेस को हराया जाए, यही टारगेट होगा, क्योंकि टीआरएस पार्टी से यानी बीआरएस पार्टी से भी कई ऐसे साबिका मिनिस्टर्स, MLAs, कई ऐसे लीडर्स कांग्रेस में ज्वाइन हो चुके हैं। यानी ये समझ में आ गया है कि अब कांग्रेस पार्टी बहुत स्ट्रांग है तेलंगाना में और वो हुकूमत बना सकती है, जरी भी गलती हुई, और यही वजह है कि के चंद्रशेखर राव अब भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिला रहे हैं और उनके करीब जा रहे हैं और उनके साथ मिलकर शायद सारे मुल्क में फिरेंगे और कांग्रेस को डैमेज करेंगे। ये काम कुछ दिनों तक, कुछ सालों तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का था,
अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का फैक्टर काम नहीं कर रहा है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अब जो उनकी रैली से उनके जो बयान थे वो काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा आवाम का सवाल है, मेरा नहीं, आवाम ने सवाल किया, मैं आपके सामने ला रहा हूँ कि उनका फैक्टर काम नहीं कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी को ये समझ में आ चुका है कि अब इनका सिर्फ मुस्लिम मुस्लिम बोल तो अब इनका फैक्टर काम नहीं करेगा, क्योंकि लोगों को समझ में आ गया है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हैदराबाद में कितना डेवलप करी है तो बाहर क्या डेवलप करेगी। तो इस तरह से फिर निज़ामबाद में दो कॉरपोरेटरों के ऊपर केस बुक हुआ, ऐसे कई जगहों पर जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन डेवलपमेंट कुछ भी नहीं कर रही है, काम कुछ नहीं कर रही है, हैदराबाद में ही 7 MLA हैं लेकिन कुछ काम नहीं की, तो फिर बाहर क्या करेगी, ये लोगों को समझ में आ गया है। अब इसी वजह से ये लोग MIM को दूर रखे, BRS पार्टी को खरीब किए हैं। अब यही वजह है कि असदुद्दीन अवैसी अब बयान दे रहे हैं BRS पार्टी के खिलाफ, के चंद्रशेखरों के खिलाफ। अब असदुद्दीन अवैसी को ख्याल आया लोन्स का, लोना कितने मिले, अब ख्याल आया आवाम की तरक्की का, आवाम के मसलों का, आवाम की परेशानियों का। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सवाल है आवाम का, हम सवाल रख रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, ये सवाल है आवाम का कि अब असदुद्दीन अवैसी को क्यों याद आ रहा है, क्योंकि इतने सालों से के चंद्रशेखर राव के साथ मिले हैं, मिलकर तेलंगाना में इनके ही सपोर्ट से गवर्नमेंट बनी, और लेकिन कुछ काम नहीं हुआ, माइनॉरिटीज लोन नहीं मिले अभी तक, कई ऐसे स्कीमात के चंद्रशेखर राव निकाले लेकिन कुछ भी स्कीमात गरीब लोगों को नहीं मिले, आवाम परेशान है, उनके गली में मोहल्लों में नालियाँ मोहरियाँ बहते रहते हैं, कोई करने वाला काम नहीं, कोई देखने वाला नहीं, मुकामी लीडर्स हैं, कॉरपोरेटर्स हैं, वक्तिया कुछ काम कर लेते हैं लेकिन जिस तरह से आवाम को काम करने की ज़रूरत है वैसा काम नहीं हो रहा है, जिस तरह से मदद मिलनी चाहिए थी वैसी मदद नहीं मिल रही है, गरीब लोगों को मकान देने की बात की थी, डबल बेडरूम देने की बात की थी, वो भी नहीं हुआ, वो सिर्फ ऑफिसर्स या कुछ पॉलिटिशियन अपने अपने रिश्तेदारों में दे देते हैं, अगर 10 मकान देना है तो 1 या 2 मकान गरीब को मिलते हैं, बकाया ये लोग बांट लेते हैं, ये बहुत बड़ा स्कैम है। इस पर भी सवाल, वक्फ की जायदादों का कोई तहफ्फुज नहीं, आज असदुद्दीन अवैसी ये सवालात कर रहे हैं तो आवाम में कहीं ना कहीं ये शक हो रहा है और ये हमसे सवाल कर रहे हैं कि भाई क्या है ये, क्यों असदुद्दीन अवैसी को अभी याद आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि असदुद्दीन अवैसी को भारतीय जनता पार्टी थोड़ी देर के लिए दूर की, और असदुद्दीन अवैसी इसीलिए अब BRS पार्टी जो BJP के करीब हो रही है, आने वाले टाइम में दोनों मिलकर गवर्नमेंट बनाने की जो कोशिश चल रही है, जो मीटिंग चल रही है, वो असदुद्दीन अवैसी अच्छी तरह से जान चुके हैं और यही वजह है कि वो अपने बयान दे रहे हैं। क्या आने वाला वक्त ऐसा ही होगा, क्या फिर से हम BRS पार्टी को वोट डालेंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने वाली पार्टियों को वोट डालेंगे, ये सवाल है आवाम का, हमारा नहीं है, आवाम का सवाल है, हम सवाल कर रहे हैं, आपके सामने रख रहे हैं। क्या इस तरह से आने वाले इलेक्शन में फिर से आवाम ऐसी वोट डालकर इनको जिताएगी, BRS को जिताना BJP को जिताना बराबर है, क्या आने वाले टाइम में ऐसा होगा, क्या होगा आने वाले वक्त में, ये देखना बाकी है। आपका वोट बहुत कीमती है, आपका वोट सही इस्तेमाल करें, आपका वोट अगर मजहब के नाम पे जाएगा तो कोई तरक्की नहीं होगी, आपका वोट अगर तरक्की की तरफ जाएगा तो यकीनन तरक्की होगी। वो कैंडिडेट को वोट डालिए जो आपके दरमियान रहता है, आपके मसलों को हल करने के लिए 24 घंटे आपके करीब रहता है, वो उसको मत डालिए जो 5 साल में आपका वोट तो ले लेता है उसके बाद पलट के नहीं देखता है। आपका वोट बहुत कीमती है, आने वाले वक्त में अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। और जिस तरह से ये हमने छोटी सी कोशिश की आपसे सामने ये बात रखने की, तो आप भी फैसला कर सकते हैं क्या BRS पार्टी और BJP मिलकर हुकूमत बनाने वाले आने वाले टाइम में तेलंगाना में, और BRS पार्टी जो सारे हिंदुस्तान में खड़ा कर रही है, क्या आने वाले वक्त में BRS पार्टी का टारगेट यही है कि कांग्रेस को डिफीट दें या ऐसे सेकुलर पार्टियों को डिफीट दें ताकि BJP को सीधा सीधा फायदा मिले। और जिस तरह से वीडियो वायरल हो रहे हैं कुछ लोगों की जानिब से, आवाम का सवाल भी आ रहा है कि तेलंगाना में 40 MLA खड़ा कर रहे हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से, अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा था, लेकिन असदुद्दीन अवैसी को जब ये पूछा गया था तो असदुद्दीन अवैसी ने इनकार भी नहीं किया था और हाँ भी नहीं कहा था, उन्होंने कहा था कि वक्त का इंतज़ार करेंगे। तो क्या वक्त आ चुका है 40 MLOs को खड़ा करने का तेलंगाना में? अगर 40 MLOs को तेलंगाना में खड़ा करेंगे तो कहाँ कहाँ पर खड़ा करेंगे और उसका फ़ायदा किसको मिलेगा? कांग्रेस तो जीतेगी नहीं, तो सीधे सीधे BRS या फिर BJP को फ़ायदा होगा, सीधी सीधी यही बात है, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भी वहाँ पर कामयाबी नहीं मिलेगी जो 40 सीटा खड़ा रहे हैं, करीब 30-35 सीटों पर तो उनको फ़ायदा नहीं मिलेगा।
वहां पर बीजेपी या फिर बीआरएस जीतेगी, कांग्रेस को भी फायदा नहीं होगा। क्या ये एक बहुत बड़ी साजिश है या बहुत बड़ा ये खेल खेला जा रहा है, इसके पीछे क्या राज है, ये सोचने और समझने की जरूरत है। आप समझदार हैं, आप सोचिए समझिए कि किस तरह की ये साजिश की जा रही है। आज जिस तरह से खेल खेला जा रहा है, ये खेल का रिजल्ट क्या होगा, इसका अंजाम क्या होगा, ये देखना बाकी है। लेकिन आखिरकार अवाम की ताकत अवाम के हाथ में है, जब तक वो अपने वोट का सही इस्तेमाल नहीं करेगा तब तक ऐसे लोगों की साजिशें रहेगी, कामयाब नहीं होगी। वो आपके हाथ में है, अगर आप ये साजिश को ख़त्म करना चाहते हैं तो अपने वोट का सही इस्तेमाल करें, या फिर आप इनकी कठपुतली बनना चाहते हैं, फिर 5 साल इसी तरह से ही रोते हैं और इस तरह से लोगों को बर्दाश्त करना है, तो फिर आप बीजेपी हो, बीआरएस हो या फिर एमआईएम, किसको भी वोट डाल सकते हैं और आप किसी के भी साथ जा सकते हैं। हमारा मकसद यही है कि जो हालत बन रहे हैं वो हालत किस तरफ ले जा रहे हैं समझने की हमें ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहु। मेरी 4 किताबें दुर्रे मदीना DURREYMADINA अमेज़ॉन पे मिल जाएंगे। 2 सीरतुन्नबी जो सही मुस्लिम, सही बुखारी, कुरान के दलाल के साथ आसान उर्दू में है, जो बच्चों और बड़ों की तालीम तरबियत के लिए बेहतरीन है, और इंतखाब शाहीन है जिसमें 2000 नाते हैं, और मेरा YouTube चैनल दुर्रे मदीना के नाम से है, और 3 किताबें आने वाली है, और इंशाल्लाह कुछ दिनों में ये किताबें इंग्लिश में भी मिल जाएंगी। मेरे बुक्स भी दुर्रे मदीना से है, मेरा चैनल भी दुर्रे मदीना से है। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुकद्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाजेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशी शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम, अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीस। जी हाँ, फख्र हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवेसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827। हैदराबाद इंटरनेशनल स्कूल CBSE के साथ इंटरनेशनल एक्सीड सिलेबस जो 8 कंट्रीज में पढ़ाया जा रहा है, इंडिया के टॉप 25 एक्सीड स्कूल्स में से एक। संतोष नगर क्रीडा रोड पर नए ब्रांच का आगाज, चादर घाट और खिलवत पर भी सेपरेट गर्ल्स ब्रांचेस का आगाज।